नमस्कार, किरण माहेश्वरी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वेज फ्राइड मोमोज बनाना बताऊंगी। वेज मोमोज बहुत ही क्रिस्पी और चटपटे बनकर रेडी होते हैं। फ्राइड मोमोज बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ। मैदा, पत्ता गोभी, प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, हल्दी, चाट मसाला, जीरा, नमक। अब आप एक परात या बाउल ले लें, उसमें एक बाउल मैदा डाल दें। ग्राम में बोलूं तो ये 200 ग्राम मैदा है। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालें। एक छोटा चम्मच तेल डाल दें और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करें। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और एक मीडियम डो लगाकर रेडी करें। ना तो ज्यादा टाइट लगाएं, ना ही ज्यादा मुलायम लगाएं। मीडियम डो लगा लें। मैंने डो लगा लिया है, आप इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दें। मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। आप इसमें एक छोटा चम्मच तेल डाल दें, ज्यादा ना डालें। तेल को गर्म होने दें। तेल हल्का गर्म हो चुका है, इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दें। जीरे को कुछ सेकंड चलाएं। अब इसमें एक बाउल ग्रेटेड पत्ता गोभी डाल दें और इसे कुछ सेकंड चलाएं। इसे आप कंटिन्यू चलाते रहें। अब आप इसमें 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च डाल दें। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसे भी कुछ सेकंड चलाएं। अब आप इसमें एक बारीक कटा प्याज डाल दें। प्याज को आप बिल्कुल बारीक कट करें। आप अपने पसंद के हिसाब से और भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे आप कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करें। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए मसाले में। इसे आप कंटिन्यू चलाते रहें और 2 से 3 मिनट के लिए भूनें। धीरे धीरे ये पूरी वेजिटेबल एकदम ड्राई हो जाएगी। इसमें बिल्कुल भी पानी ना रखें। पत्ता गोभी का पूरा पानी सूखने दें। सारे वेजिटेबल अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। इसे मुझे भूनने में 5 मिनट लगे हैं। अब आप इसमें आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डाल दें, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डाल दें, आधे से छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, इसकी जगह आप नींबू भी यूज में ले सकते हैं। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करें। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मसालों को आप वेजिटेबल के साथ 1 मिनट के लिए भून लें। सारा मसाला वेजिटेबल के साथ अच्छे से भून चुका है। अब आप गैस को बंद कर दें और इसे प्लेट में निकाल लें। मसाले को ठंडा होने दें। मैदे को रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं। आप इसे एक बार अच्छे से मसल लें। अब आप मैदे में से एक बड़ी लोई तोड़ें और इसे गोल बना लें। हल्का सा मैदा डस्ट करें।
और इसे बेल लें। इसे ज्यादा पतला भी ना बेलें और ज्यादा मोटा भी ना रखें, मीडियम बेल लें। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको मोमोज बनाना बताऊंगी। मैंने बड़ी रोटी बेल ली है, आप इसे हल्का मोटा ही रखें, एकदम पतला ना करें। अब आप एक कटोरी ले लें, इस पे गोल कट लगा दें। एक बार में आप जितने कट लगा सकते उतने लगा दें। एक्स्ट्रा मैदे को आप निकाल लें और उसी में मिला दें। अब इसमें से एक पोर्शन उठाएं और इसे हल्का सा बेल लें। मैंने इसे हल्का सा बेल लिया है। अब ठंडी की स्टफिंग लें आप और एक चम्मच जितनी इसमें बीच में रखें। एक साइड से उठाएं और एक साइड पूरे साइड पे प्लेट बना दें। ऐसे प्लेट्स बनाते जाएं। दूसरी साइड से उठाएं और इस पे चिपका दें हल्का सा। अच्छे से इसे चिपका दें और इसे प्लेट में रखें। मैंने एक को फिर से बेला है। अब आप इसमें एक चम्मच जितनी स्टफिंग बीच में रखें। एक साइड से उठाएं और पूरी एक साइड पे प्लेट्स बना दें। दूसरे साइड से उठाएं और इसे अच्छे से चिपका दें। और इसे प्लेट में रखें। इसी तरह आप सारे मोमोज रेडी कर लें। मैंने मोमोज बना लिए हैं। मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है, तेल मीडियम गर्म रखें। अब आप इसमें से एक एक मोमोज लें और तेल में डालें। एक बार में जितने आराम से तले जा सकते हैं उतने मोमोज आप डालें। बहुत ही टेस्टी मोमोज बनकर रेडी होते हैं, आप एक बार जरूर बनाएं और इन्हें अलट पलट करते जाएं और हल्का गोल्डन कलर आए जब तक तले। सारे मोमोज अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं, आप इन्हें निकाल लें। कुछ सेकंड रुकें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। आप इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लें। इसी तरह बाकी बचे मोमोज भी तल लें। आंच को आप बिल्कुल सिम रखें। मैंने सारे मोमोज फ्राई कर लिए हैं। गर्मा गर्म मोमोज सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे सॉस के साथ सर्व करें। बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, आप भी बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें।